दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद का एयर फाइबर बना सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, आप खुद का एयर फाइबर बना सकते हैं। और ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। कितना खर्चा आएगा, क्या स्पीड मिलेगी, क्या ये रिलायबल है या नहीं, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको। और ये बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और अधिकतर ये यूज हो रहा है गाँव में, क्योंकि गाँव में कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनेट का। मतलब अगर आपको एक अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए वो भी स्टेबल स्पीड के साथ, तो अभी अगर हम बात करें कि ये जो जियो एयर फाइबर आया है ये लगभग अभी ज्यादातर गांव में है, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जियो का टावर ही नहीं, या फिर जियो के सिग्नल आते हैं तो बहुत कम सिग्नल आते हैं जो कि घर में नहीं मिलते। तो आप छत पे खड़े रह के आप मोबाइल नहीं चला सकते, मतलब एक लिमिटेशन होती है कि कब तक चलाएंगे, या फिर मैं बात करूं कि बाहर जाएंगे तो वहां चलेगा, अदरवाइज घर में नहीं चलेगा। ऐसी कंडीशन बहुत से लोगों के साथ होती है। तो कैसे आप ये बिना जियो एयर फाइबर आपके गांव में आए, आप जियो एयर फाइबर खुद का कैसे बना सकते हैं, कैसे आपको एक अच्छा इंटरनेट मिलेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला after this intro। दोस्तों अगर आप एक विलेज में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि सिटी में या टीयर वन और टीयर टू की मैं बात करूं तो वहां तक तो इंटरनेट आ गया है। अभी अगर बीएसएनएल का भी बात करूं तो आ गया है, मतलब बीएसएनएल चल जाता है, बीएसएनएल का फाइबर मिलता है, या फिर जियो एयर फाइबर भी लगने लग गए हैं, हर गाँव में लगने लग गए हैं। बट आप ऐसी सिटी या ऐसे विलेज में रहते हैं जहां पर ये एयर फाइबर आपको पता है कि नहीं आएगा कभी, और ये फाइबर तो भूल ही जाओ कि कभी आएगा, तो आपके लिए है ये वीडियो, ये सोल्यूशन आपके लिए। अदरवाइज अगर आपके यहाँ पर कोई भी फाइबर अवेलेबल है वायर वाला, या फिर ये जियो एयर फाइबर अवेलेबल है, या बीएसएनएल भी अवेलेबल है, तो ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जो है सीधा सिंपल आप वो वाला प्लान लीजिए जो उनका है, बीएसएनएल एयरटेल का, जो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है वो लीजिए, ये काम मत करिए। बट अगर आपको जानना है, नॉलेज बढ़ाना है कि ऐसा भी होता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो कंडीशन सबसे पहले यही है कि अगर आपके यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है गाँव में तो ये करना, अदरवाइज मत करना। देखिए गाँव में आपको पता है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत कम मिलती है, इंटरनेट मिलता ही नहीं, और मिलता भी है तो भी आपको पता है कि अगर आप मोबाइल में इंटरनेट यूज करेंगे तो पे कोई लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है, 1.5 GB वाला डलालेंगे, 2 GB वाला डलालेंगे, 3 GB वाला डलाएंगे तो इतना हो जाएगा, महीने का ज्यादा खर्चा हो जाएगा, 1000 रुपए तक पहुंच जाएंगे आप। तो एक उसकी लिमिटेशन है कि कितने पैसे खर्च करेंगे इंटरनेट के लिए, मतलब 3 GB तो यूं ही खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है, और क्या सोल्यूशन है, बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, और बहुत से लोग उसको यूज कर रहे हैं, मतलब मैंने देखा है और इसको मैंने खुद टेस्ट करके भी देखा है, ठीक है। ये एकदम बेस्ट सोल्यूशन है, और मैं काफी मेरे पहले के वीडियो में बता भी चुका हूं आपको कि ऐसा करना है, बट एक्चुअली मैं आज बताऊंगा कि क्या क्या आपको डिवाइस लगेंगे, किस तरह से आपको करना है, कितना खर्चा आएगा, क्या प्लान होने वाला है, कौन सी सिम को आपको यूज करना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या आपको करना है, ठीक है। तो देखिए अगर ऑनलाइन की बात करूं तो ये राउटर जो है वो ऑनलाइन ही मिलेंगे। एक राउटर लाना है आपको सबसे पहले, जो कि टीपी लिंक का आएगा। दो राउटर बताऊंगा आपको, एक थोड़ा सस्ता है, एक थोड़ा महंगा वाला है। आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आप दोनों राउटर में से सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी मैं आपको डिवाइस बता रहा हूं, राउटर हो गया या एंटीना हो गया, जो भी बता रहा हूं सब कुछ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इनको खरीद सकते हैं, और खुद से जो मैं बता रहा हूं आपको DIY खुद से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद हो जाएगा, आपको सिर्फ असेंबल करना है। तो दो राउटर आते हैं, एक आता है टीपी लिंक का MR400 और एक और आता है टीपी लिंक का MR600। दोनों राउटर एकदम दिखने में सेम है बट स्पीड का डिफरेंस है, मतलब MR600 में डबल स्पीड मिलेगी, MR400 में आधी स्पीड मिलेगी, यानी कि MR400 में आपको 150 MBPS तक की मैक्स स्पीड मिलेगी। देखिए अगर आपकी सिम जो है, आप जो सिम यूज करेंगे 4G में, उसकी स्पीड मान लो 300 तक जा रही है, तो आपको 300 तक नहीं मिलेगी, क्योंकि एक लिमिट लगा दी है उस राउटर ने कि वो 150 ही दे पा रहा है। बट अगर आपको पता है कि आपके एरिया में अच्छी स्पीड मिलती है, 150 से ऊपर निकलता है, तो फिर आप कौन सा लीजिएगा राउटर, MR600 वाला, टीपी लिंक का MR600 वाला, वो मैं लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोनों राउटर के, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पर मैक्स स्पीड 100-150 से ज्यादा नहीं जा रही है, तो फिर आप MR400 ले सकते हैं, टीपी लिंक MR400। अब ये MR400 और MR600 दोनों राउटर सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये स्पीड का डिफरेंस है दोनों में। दोनों जो राउटर हैं इनमें क्या होता है, किसी एक राउटर को लेके चल रहे हैं हम, MR600 को लेके चलते हैं। अब MR600 जो है टीपी लिंक का, उसमें आपको 2-3 लैन पोर्ट देखने को मिलेंगे और एक वैन पोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सिम का सपोर्ट भी मिलेगा, सिम जो कि मेन है हमारा, इस पूरे जो भी हम कर रहे हैं अभी एक्सपेरिमेंट, इसमें एक सिम का सपोर्ट मिलता है। इसमें आप 4G सिम लगा सकते हैं, अब 4G सिम कौन सी लेना है वो भी मैं आगे बात करूंगा। इसमें आप सिम लगा दो, ठीक है। अब सिम लगा दी आपने, और ये आपको राउटर छत पे ले जाके नहीं रखना है, राउटर छत पे ले जाके रखेंगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, दो दो केबल लानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, इस
इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास जो कि बहुत कम लोगों ने यूट्यूब पे डाला हुआ है। बहुत से लोग डालते हैं यूट्यूब पे बट वो राउटर ही छत पे ले जाने की बात करते हैं और फिर वहां पे उसको पावर सप्लाई भी दो, फिर वहां से लेन से इंटरनेट भी लाओ, तो दो दो केबल हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। इसका एक तरीका होता है, जो एंटीना होता है वो सिर्फ हमें ऊपर ले जाना है, क्योंकि मेन तो जो राउटर है पूरा, इसमें आपने देखा होगा दो एंटीना मिलते हैं। अब ये दो एंटीना के जो आउटपुट है ये दोनों आपको निकाल लेना है। ये निकल जाते हैं इजिली, आप खोलेंगे इजिली निकल जाएंगे। जैसे इनको निकालेंगे और एक मेन एंटीना आता है जो कि एक्स्ट्रा आपको 3000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। देखिए ये आप कर रहे हैं खुद का एयर फाइबर बना रहे हैं तो थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आप जियो का एयर फाइबर लगाएंगे तो उसकी डिवाइस की कॉस्ट ही 10,000 रुपए होती है। वो आपसे नहीं ले रहे हैं वो बात अलग है, बट उनकी डिवाइस ही 10 से 12,000 रुपए होती है उसकी कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट की मैं बात करूं 10 से 12,000 होती है, बट मतलब ये मान के चलो अगर आप 6,000 वाला लेंगे, MR 400 वाला लेंगे, तो 6,000 का राउटर आएगा, 9,000 में आपका एयर फाइबर रेडी हो जाएगा और बेस्ट स्पीड मिलेगी, वो भी अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ। अनलिमिटेड इंटरनेट कैसे मिलेगा सिम में वो भी आगे बताऊंगा। एक एंटीना लेना है, एक्सटर्नल एंटीना जिसको बोलते हैं, तो जो दो आप जो राउटर में जो लगे हैं एंटीना उनको निकाल के ये एंटीना लगा देंगे वहां पर, और उसकी केबल आती है 15 मीटर की। 15 मीटर मतलब आप दो घर ऊपर तक ले जा सकते हैं उसको इजिली, दो या डेढ़ घर तक आराम से एंटीना लगा सकते हैं, और वो एंटीना ले जाके आपको लगा देना आपकी घर की छत पे। जैसे आप घर की छत पे लगाएंगे वो केबल नीचे आएगी राउटर में एंटीने वाली, और वो आपके जो एंटीना का पोर्ट है वहां पे लग जाएगी। कन्वर्टर भी देते हैं साथ में, 3,000 रुपए लेते हैं, तो केबल देंगे, एंटीना देंगे, 4G एंटीना देंगे, मतलब कि अच्छा खासा कवरेज रहेगा उसका। जो आपका मोबाइल है ना, मोबाइल से भी ज्यादा अच्छी पकड़ रहेगी उसके नेटवर्क कैच करने की, तो आपको मोबाइल से ज्यादा स्पीड मिलेगी, ज्यादा सिग्नल मिलेंगे, इसलिए ज्यादा स्पीड मिलेगी, यहाँ पर अच्छा इंटरनेट चलेगा। अगर ज्यादा नेटवर्क अच्छे मिले तो इंटरनेट भी अच्छा चलेगा। तो इस तरह से ये पूरा काम करता है। वो जो है पूरी मैंने इतनी प्रोसेस बता दी आपको, एंटीना छत पे लगाना है, केबल नीचे लेके आना है, राउटर जो है वो राउटर में आपको वो दोनों प्लग करना है, जो एंटीने के आउटपुट है वो दोनों प्लग करना है, वो प्लग कर दिए। अब आपको सिम जो है नैनो सिम आपको राउटर में इंसर्ट करना है और राउटर को चालू करना है। जैसे आप चालू करेंगे वाईफाई क्रिएट हो जाएगा, जैसे राउटर चालू होगा उसका वाईफाई क्रिएट हो जाएगा, उस वाईफाई से कनेक्ट करके अगर आप इंटरनेट चलाएंगे तो आपको 100% श्योर है कि उस सिम में जितनी मोबाइल में स्पीड मिल रही है उसकी डबल स्पीड आपको उस राउटर के थ्रू देखने को मिलेगी। और यहाँ पर राउटर चूज में इसलिए ये बता रहा हूँ टीपी लिंक का, क्योंकि ये जो दोनों राउटर हैं ये दोनों राउटर ही बेस्ट स्पीड दे पाएंगे। अदरवाइज इसमें बहुत सारे आपको राउटर मिलेंगे, 1500 वाले भी राउटर मिलेंगे सिम वाले, उनमें स्पीड नहीं मिलेगी, भूल के भी वो मत लेना, वो इतने अच्छे नहीं है तो उसमें स्पीड नहीं मिलेगी। और कभी भी भूल के 3G 4G वाला राउटर मत ले लेना अगर आप एयरटेल की लेंगे, हालांकि एयरटेल की लेना नहीं है इस कंडीशन में, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो 3G 4G में स्विच होता रहेगा और आपको स्पीड नहीं मिलेगी और मजा नहीं आएगा, इतना खर्चा करेंगे सब बकवास जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो 4G राउटर ही लेना है, उसमें 4G सिम लगाना है, क्योंकि 5G वाला राउटर अभी तक आया नहीं है। 5G वाला राउटर आएगा तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये इतना आपको करना है और आपके घर में एकदम बेस्ट इंटरनेट वाईफाई क्रिएट हो जाएगा, इंटरनेट चला सकते हैं। इतना तो आप कर लेंगे अगर आप सर्च कर रहे हैं ये, तो इतना तो टेक्निकल होगा आप में नॉलेज कि आप इतना कर पाए। और अगर फिर भी इसमें करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, लिंक दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसमें कि कैसे कॉन्फिगर करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जो सारे मैंने इक्विपमेंट बताए, जो डिवाइस बताए, उनका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे ऑर्डर कर दो अगर आपको जरूरत है तो, और आप सेटअप करो, प्रॉब्लम आती है मुझे कॉन्टेक्ट करो। अब आपने ये तो कर लिया, बट आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार अब मैं सिम कौन सी लूं, अनलिमिटेड इंटरनेट किसी में मिलता ही नहीं है, क्या कर। तो देखो अगर आपको इंटरनेट की इतनी ही जरूरत है तो आप खर्चा तो करेंगे। देखिए अगर आपको इंटरनेट की इतनी जरूरत है तो मतलब आप कमा भी रहे होंगे इंटरनेट से, तो आपको पैसे लगाने भी पड़ेंगे इंटरनेट में। जियो जो पोस्टपेड है उसमें एक प्लान निकल के आता है 599 का, जो कि 600 रुपए का प्लान है। इसमें अगर हम GST वगैरह मिला दें तो 650 समथिंग कुछ बिल आता है इसका, 650 का महीने का बिल आएगा आपका। ये जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह है ये वन टाइम है, मतलब ये मैक्स मान के चलो 10,000 का खर्चा है, और 650 रुपए आपका महीने का खर्चा आएगा और आपका एयर फाइबर तैयार हो जाएगा। अब ये एयर फाइबर जो जियो का एयर फाइबर आता है जो 5G पे वर्क करता है उससे भी ये सस्ता है, ठीक है। बस इसमें ये दिक्कत है कि इंस्टॉलेशन जो है वो आपका जो भी डिवाइस वगैरह लग रहे हैं उनका खर्चा है, बट वो डिवाइस आपके ही रहेंगे। अब जियो एयर फाइबर की बात करें तो वो डिवाइस जियो के रहते हैं, जैसे आप कनेक्शन कटाएंगे जियो खोल के ले ही जाएगा, तो ये कंडीशन। बट यहाँ पर खुद के डिवाइस रहेंगे, आप जितने चाहो उनको चलाओ, बंद कर दो पोस्टपेड, बंद कर दो मत रिचार्ज कराओ, ये भी हो सकता है। अब जियो पोस्टपेड में एक 599 का रिचार्ज है वो आपको कराना है, और उस रिचार्ज में पर्टिकुलर जियो वाले पोस्टपेड में ही आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिलेगा, मतलब वहां पे कोई लिमिट नहीं है, जितना चलाना है चलाओ, ऐसा प्लान है पोस्टपेड का जियो का। एयरटेल में भी ये नहीं आया, एयरटेल अगर होता तो मैं एयरटेल ही सजेस्ट करता आपको, बट पोस्टपेड में एक वही प्लान है जो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देता है बिना किसी लिमिट के, मतलब कोई स्पीड लिमिट नहीं, कोई कैपिंग वगैरह कुछ भी नहीं, जितना चाहे उतना चलाओ। तो ये आप उस राउटर में सिम लगा के ये वाला इंटरनेट यूज कर सकते हैं और काफी अच्छी स्पीड मिलेगी। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपके यहाँ पर जियो के नेटवर्क होना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप कोई से भी गांव में रहते हैं 4G तो जरूर होगा, 4G 100% होगा जियो का, फिर चाहे वो आपका कितना भी छोटा गांव क्यों ना हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप ऐसे कोई गांव में रहते हैं, ऐसे कोई विलेज में रहते हैं जहां जियो का 4G भी नहीं आता, मतलब जियो आया ही नहीं है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर देखते हैं कि ये जियो वाले क्या कर रहे हैं, किस गांव में पहुंचा नहीं, क्योंकि 2024 के एंड में उनको हर गांव, हर विलेज, हर तालुका तक 5G
पहुंचाना है तो 4G नहीं आया होगा तो 5G नहीं पहुंचा सकते। तो मुझे जहां तक 99% चांस है कि आपके यहां पर जियो का 4G तो आ गया होगा। तो 4G में ये वर्क करता है, 4G की स्पीड भी काफी अच्छी है, मतलब 4G की स्पीड मिल जाती है अगर एंटीना वगैरह ये लगाओगे आप, राउटर वगैरह, तो आपको अच्छे खासे 200 से 150 MBPS की स्पीड मिल जाएगी। और ये फॉर श्योर है मिलती है, एक्चुअल में मैंने देखा है, काफी सारे वीडियोस में भी देखा है और मैं प्रैक्टिकल करके भी देखा। ये आपको करना है पूरा, जिससे आपका खुद का आप एयर फाइबर बना सकते हैं, वो भी कम कॉस्ट में और अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकते। इसमें अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप कमेंट करो मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि क्या डाउट आ रहा है। अगर वहां प्रॉब्लम नहीं सोल्व होती है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आप ये एक्चुअल में लगाना चाहते हैं और आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से कुछ डिवाइस वगैरह परचेस कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो मैं पूरी हेल्प करूंगा। और लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और शेयर कर दो अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो ऐसे कोई विलेज में रहते हैं जहां पर ये कुछ भी सर्विस अवेलेबल नहीं है और उनको इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये पूरा इक्विपमेंट लेके और वो अपना खुद का इंटरनेट बना सकते हैं, उन लोगों के साथ ये शेयर कर दो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।